हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाखा और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपको खांडवी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी गुजराती क्यूजिन में से है और खांडवी बनाना बहुत ही आसान है और ये 15 मिनट में आराम से बन जाती है। तो खांडवी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। पहले यहाँ पर मैंने एक कप बेसन लिया है और सेम कप से मैंने एक कप दही लिया है। उसके अलावा मैंने हरी मिर्च और धनिया की पेस्ट बनाई है, आधा छोटा चम्मच है ये, और अदरक की भी पेस्ट लेनी है आधा छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर लेंगे हम एक चौथाई चम्मच। कुछ बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते लिए हैं मैंने। तड़का लगाने के लिए हम तेल लेंगे दो बड़े चम्मच। राई लेंगे आधा छोटा चम्मच। कड़ी पत्ता चाहिए और एक चुटकी हींग पाउडर लेंगे। चीनी लिया है मैंने एक चौथाई चम्मच, ये ऑप्शनल है, और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। खांडवी बनाने के लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें हम एक कप छाना हुआ बेसन लेंगे। छाना हुआ बेसन लेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनते हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, चीनी, स्वाद के अनुसार नमक, हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट डालेंगे। सब अच्छे से मिक्स करना है हमें। जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हम एक कटोरी दही ऐड करेंगे। इसमें खट्टा दही होना चाहिए और इसे अच्छे से मिलाएंगे। शुरुआत में बेसन और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे इसमें गुठलियाँ नहीं बनती है। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप बेसन, 1 कप दही लिया है और इसमें हमने 2 कप पानी मिलाया है। सब अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ बैटर की तरह नहीं होती, तब तक इसे हमें मिक्स करना है। तो लीजिए, हमारा खांडवी का बैटर अब रेडी है। इसे पकाने से पहले हम प्लेट लेंगे और इसके पीछे तेल लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस करेंगे। चाहे तो आप क्लीन सरफेस पे भी ऑयल लगा सकते हैं। 3-4 प्लेट को आप पहले ही रेडी करके रख दें। अब एक डीप पैन लेंगे, इसमें हम खांडवी का बैटर डालेंगे। फ्लेम को धीमी आंच पर रखकर इसे हम कंटिन्यू स्टर करेंगे। धीरे धीरे ये गाढ़ा बनना शुरू होगा। बेसन अच्छे से कुक होना चाहिए तो इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। खांडवी बनाने के लिए बेसन अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसे आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं या फिर चेक करने के लिए आप इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। ठंडा होने के बाद अगर ये रोल होता है, इसका मतलब ये रेडी है। इसे पकाने के लिए हमें 10 से 12 मिनट्स लगे हैं। तो अब ये रेडी है तो फ्लेम को करते हैं बंद और तुरंत ही हम ग्रीस किए हुए प्लेट में खांडवी का मिश्रण डालेंगे थोड़ा सा। इस प्रोसेस को हमें फटाफट करना है। अब नाइफ से या चम्मच से इसे हम इवनली स्प्रेड करेंगे, देखिए इस तरह। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद इवनली स्प्रेड नहीं होगा। देखिए इस तरह हमें पतला स्प्रेड करना है। अब इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तब तक हम तड़का बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पैन लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद केयरफुली राई डालें। ध्यान रखिए इसके छींटे नहीं लगे आपको। अब इसमें हम चुटकी भर हींग पाउडर डालेंगे और कड़ी पत्ता डालकर फ्लेम को करेंगे बंद। अब खांडवी सेट होके रेडी है। अब इसके ऊपर मैं कुछ ताज़े धनिया के पत्ते स्प्रिंकल कर रही हूँ।
तो नाइफ से हम पहले इस तरह लंबाई में कट करेंगे। चाकू की मदद से इसे हमें रोल करना है। देखिए इस तरह, देखिए कितनी आसानी से रोल हो रहा है ये। इसी तरह हम सारी खांडवी को बना के रखेंगे। खांडवी बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये हेल्दी भी है। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे। खांडवी के ऊपर हम तड़का डालेंगे। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम फ्रेश कोकोनट स्प्रिंकल करेंगे और कुछ ताज़ी धने के पत्ते स्प्रिंकल करेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। बहुत ही यम्मी डिश है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खांडवी बनाना बहुत ही आसान होता है, बस आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना है। जैसे कि आप बेसन के घोल को पकाएंगे तब गैस की फ्लेम धीमी आंच पर होनी चाहिए और इसे हमें लगातार स्पून से चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना बन सके। इस प्रोसेस को बनने के लिए 10 से 12 मिनट्स लगते हैं। जब ये अच्छे से बन जाएगा तभी इसको हमें ग्रीस की हुई प्लेट पे निकालना है, अच्छे से स्प्रेड करना है और जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसे हमें कट करके सर्व करना है। दिए हुए टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी खांडवी परफेक्ट बनेगी। सो आप आज ही खांडवी बनाइए और इसे हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, कमेंट कीजिएगा आपकी कोई राय हो या कोई डाउट्स हो, और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। स्टे हेल्दी। बाय बाय।